लोग वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट के क्यूब क्राफ्ट वाले सर्वर के अंदर। मैं आज वापस आ गया हुआ हूँ अपने स्काई ब्लॉक वाले वर्ल्ड के अंदर। एंड जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने ये दूसरा आइलैंड भी अनलॉक कर लिया था। ये वुड नीचे मेरे कोबलस्टोन जनरेटर्स भी लगे हुए हैं, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये है नीचे जाने का रास्ता, शायद ये ना काफी दिन हो गया मुझे खेले हुए। ओके, ये इधर तो आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहे होंगे मेरे कोबलस्टोन जनरेटर्स, पर जैसे ही मैंने ये कोबलस्टोन तोड़ा, ये बन गया एक कोबलस्टोन जनरेटर, जो बाद में ऑटोमेटिकली जैसे कि भी देखें ये बनेगा। मैं इसके ऊपर से एक सेकेंड हट जाऊँ। हाँ, इसको आई थिंक से मैं नहीं तोड़ सकता ना। हाँ नहीं नहीं जनरेटर को मैं नहीं तोड़। देखा, अभी एक कोबलस्टोन बन गया। जैसे कि आपने देखा, ऊपर जाने के लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ यहाँ से खुली हैं, बट यहाँ से तंग है, बिकॉज अगर मैं इधर से भी खुली कर दूंगा तो ये जो पानी है ये पानी रास्ता ब्लॉक करेगा। ओके, सेफ भी हो गई है मेरी गेम यहाँ तक। ओके, अभी हमारा आज का टारगेट है हर्बीवोर 31%। यहाँ से मैंने अपनी लास्ट टाइम शॉप रिमूव करके ऊपर रख दी थी, जिस जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो जाके देख ले। भाई मैं इधर हूँ। एक है जनरेटिंग कॉल्स। ओके, गैदर कॉल, टोटल 64 हमें कॉल्स चाहिए। उसके लिए ऑब्वियसली मुझे चाहिए होगा कॉल जनरेटर। स्काई ब्लॉक कॉइन्स ही नहीं है तो वो ऑब्वियसली मुझे पता है किस तरह मिलेंगे, सेल आइटम्स में जाके। सैपलिंग है मेरे किसी काम की नहीं है। ओके, ये बीट रूट्स भी मेरे किसी काम के लिए नहीं है। बीट रूट्स भी मेरे किसी काम के नहीं थे तो वो भी मैंने सेल कर दिए। अब पोटैटो भी मैं सेल कर दूंगा। ओ ब्रो, लिटरली पोटैटो से मुझे सबसे ज़्यादा स्काई ब्लॉक कॉइन्स मिले हैं, एंड पम्पकिन से भी। ओके रो बीफ भी सेल कर देता हूँ, क्योंकि इस गेम में हमारा हंगर इतनी जल्दी कम नहीं होता। जैसे भी आप देख रहे, अभी मुझे काफ़ी देर हो गई वीडियो शुरू किए, उस इंट्रो में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो इस तरह गेमिंग करते होंगे उन्हें पता होगा, गेमिंग या यूट्यूब की कोई सी भी फील्ड हो, इंट्रो में टाइम लाजमी जाता है। ओके, तो अभी मेरा हंगर कर बढ़ रही है। ओके, इधर बीट रूट्स भी पड़े हुए हैं, मगर खाने के लिए कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये जो पोटैटो है पॉइजनस पोटैटो है। वेट अ सेकंड, मैं बीट रूट सूप पी सकता हूँ क्या? आज ट्राई करता हूँ पी के। ओके, मैं इसको भी पी के अपनी हंगर कम कर सकता हूँ, एंड इसके अंदर मैं बाद में दोबारा रख दूँ बीट रूट्स डालूँ, उसके बाद दोबारा बीट रूट सूप बना दूँ। आई थिंक सो इसको उसके अंदर बाउल के अंदर डाल के हमें फर्नेस में रखना होता है। ओके सो गाइस, अभी मैं चलता हूँ अपने दूसरे वाले आइलैंड पे, बिकॉज ये टोटल ब्लॉक्स मैंने उस आइलैंड तक जाने के लिए बिल्डअप किए थे। कोबल स्टोन्स मेरे पास पड़े हुए थे। इधर भी मैंने एक शॉप बनाई हुई है जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंड इधर बड़े संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो ये होता है नहीं हो रहा। ओके, हो गया भाई। ओके, हो से फिर से इसको हार्वेस्ट करके मैं ये लगा देता हूँ बीट रूट। एंड या मेरे कहने का मेन मोटिव यही था भाई, इधर आराम आराम से करके चल रहे। एंड ये पम्पकिन, ये क्राफ्टिंग टेबल भी है इधर मेरी, इधर भी एक स्काई ब्लॉक शॉप है मेरी। तो चलिए, मैंने आपको ये आइलैंड तो अपना दिखाई दिया, अभी मैं आगे चलता हूँ। छोड़ो, वो मैं बाद में आगे कर लूँगा। ओके, देखता हूँ मैं इस क्रॉस को, आई मीन प्लस के साइन को बिल्कुल मिडल में रख के चल पाता हूँ। नहीं, बिल्कुल इधर। ओके, मिशन फेल्ड एट द लास्ट मोमेंट, कोई बात नहीं भाई। अच्छा, ये जो मेरा एरिया होगा ना, इसको मैं बनाऊंगा अपने विलेजर्स वगैरह के लिए, ये वाला जो एरिया होगा, बिकॉज आई थिंक सो आगे जाके जब अपडेट करेंगे क्यूब क्राफ्ट वाले स्काई ब्लॉक के सर्वर को, तो वो उसमें ये चीज़ ज़रूर डालेंगे ना कि आप विलेजर्स वगैरह रहो। लव प्रॉपर सिस्टम होगा माइनक्राफ्ट नॉर्मल में, जैसे होते हैं ना, कोई वर्ल्ड बनाओ। यार मैं ये जंप हिट का जो डैमेज होता है ये ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि मुझे सीखना है यार ये जंप डैमेज कैसे देते हैं। बताना अगर आप में से कोई खेलता है माइनक्राफ्ट प्रो है, पता नहीं क्या करते हैं, उछल के जाते हैं एंड इस तरह करके मारते हैं। ओ वाह ब्रो, इट वर्क्स। देखो, एक हिट में नहीं मर रहा, जैसे भी है इसकी HP है फुल, ठीक है, आप देख रहे हो। एंड इसको मैं एक हिट मारता हूँ, ये नहीं मरेगी। एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके।
वाह मैं सीख गया शायद से, जैसे कि अभी ये वाली काओ थी इधर, किधर गई ये वाली काओ, वो ये वाली जो है ना ये पूरी फ्रेश है, स्पॉन हुई है अभी भी। तो अगर मैं इसको उछल के डैमेज दूँ इस तरह, यार ये क्यों नहीं मरी? आई थिंक सर अब वर्क ये नहीं किया, पहले ये वर्क कर गया था। ओके मैं आपको थर्ड पर्सन कैमरा में दिखाता अगर मैं भी पीसी से खेल रहा था, बस F5 दबाता एंड थर्ड पर्सन कैमरा ऑन हो जाता। ओके मैं आपको एक और अपनी आने वाली वीडियो की अपडेट दे दूँ, इंशाल्लाह जल्दी आएगी वो वाली वीडियो जिसमें मैं खेलूँगा माइनक्राफ्ट का 1.1 वाला एडिशन, माइनक्राफ्ट का 1.1 एडिशन खेलूँगा मैं जिसमें। और लिटरली मैंने ट्राई कर चुका हूँ, मैं खेलूँगा उस पर टी लॉन्चर पर। टी लॉन्चर पर आपको पता है माइनक्राफ्ट का पहला वर्जन से लेके अब तक जितने वर्जन आए वो सारे चल जाते हैं, तो मैं वही वर्जन खेलूँगा 1.1। ओके मैं दोबारा रिस्पॉन हो गया हूँ, कोई बात नहीं, होता है तो चलता है ये। अरे ये क्या था, मैंने अपना अपना कैमरा इस तरह नीचे की तरफ किया और ये ऊपर, ये क्या था भाई, ये क्या था? ओके यार ये पता नहीं क्या ग्लिच टाइप शायद से हुआ था कुछ, मैंने ऊपर से आया से मैंने अपना कैमरा ऊपर ही, मैंने अपना कैमरा नीचे सा किया ताकि मैं MLG कर सकूँ, बट माई MLG फेल्ड वेरी बैडली। जैसे अभी मैंने हो पकड़ी हुई है, अभी यार नॉर्मल आप डैमेज करोगे ना अगर तो वो बहुत टाइम लेगा, टोटल 3 हिट्स में एक काओ मरती है आई थिंक सो। जैसे भी ये आई थिंक सो 3-4 ले लेगी, 1-2। मैं ना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहा, छलांगी मार रहा। ओके क्योंकि उसका जैसे मैंने आपको बताया जंप डैमेज जो पड़ता है, जंप हिट का जो डैमेज पड़ता है वो ज़्यादा पड़ता है सामने वाले पर, एकदम छलांग लगा के एंड देन आप हिट करोगे तो उसका डैमेज भी ज़्यादा ही पड़ेगा। ये छुप गए भाई इधर, इसको नीचे गिरा देता हूँ, नहीं गिरी है नीचे, वो नीचे गिरे ना गिरे, मैं नीचे गिर गया। चलिए अभी हम लोग अपने पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट, अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। हर बीवर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईट बीटरूट। ओके 64 बीटरूट खाने हैं, नो प्रॉब्लम। वो बंदा जिसके पास बीटरूट्स के फार्म्स हों उसको क्या टेंशन हो सकती है, उधर बीटरूट्स का फार्म है, उधर से मैं बीटरूट लेकर आता हूँ। अभी मैंने इतना ज़्यादा बीटरूट सेल कर दिया एंड इधर मैं उगा सकता हूँ बीटरूट ईजीली। ये नहीं सीड जिसके उगाने हैं, बीटरूट तो हमने खुद खाना है ना, अदरवाइज बचेगा ही क्या हमारे पास बीटरूट। यार ये अंदर आना क्यों चाहते हैं गाय, तो आज टेस्ट कर ही लेता हूँ हर वीडियो में, जब भी मैंने देखा है ना ये अंदर आने का ट्राई करते हैं। क्या मिल गया अंदर आके भाई, एक चीज़ मिली ना और वो चीज़ है कैद। एक सेकेंड ऐसा नहीं, कैद भी नहीं मिल, ये कैसा, ओ ग्रीस देखा आपने, दोबारा रिपीट करके आप लोग देखो रिवाइंड करके इसको, हुआ क्या था ये, वो चीज़ कैद। एक सेकेंड ऐसा नहीं, कैद भी नहीं मिल, ये कैसा, ओ भाई ग्रीस देखा आपने, कि फीट सेकेंड मैं आगे नहीं जा पा रहा भाई, इधर ये क्या है पता नहीं, आपने देखा इधर ट्रेसिंग जो आती है जैसे भी दरवाज़ा, गेम ग्लिच कर रही है मेरी। ओके मैं देखता हूँ अभी इधर मेरे पास होंगे बीटरूट पड़े हुए एंड यस एक बीटरूट पड़ा हुआ है, बट मुझे बीटरूट नहीं बीटरूट सीड्स चाहिए, टोटल 1 स्टैक बीटरूट हमें खाना है जिनमें से अभी तक मेरे पास सिर्फ 4 ही बीटरूट हो पाया है एंड आई थिंक सो ये सीड्स हैं, ये बीटरूट सीड्स नहीं है लेकिन ओके आई थिंक सो चेस्ट के ऊपर चढ़ के हम चेस्ट नहीं खोल सकते। ओके ये बीटरूट सीड्स हैं, ओके मेरे पास जो सीड्स थे वो थे पम्पकिन सीड्स, बट अभी मुझे मिल गए हैं बीटरूट सीड्स जो कि मैंने उधर ग्रो होने के लिए लगा दिए हैं। ये वाला नहीं चेक किया था मैंने, इसमें से नहीं मिले बीटरूट सीड्स, अब दूसरे वाले आइलैंड पे रहते हैं उधर चेक कर लेते हैं उधर मिलेंगे बीटरूट सीड्स या नहीं, पहले जो मुझे मिले हैं वो इधर ग्रो करने के लिए लगा देता हूँ। ओके टोटल 8 या 9 ही थे और ये लास्ट वाला भी लगा दिया मैंने, जब ये ग्रो होंगे तो इनसे हमें मिल जाएंगे बीटरूट सीड से, तो
अभी मैं जाता हूँ अपने दूसरे वाले आइलैंड पे। इधर मॉब्स आए ना, नॉर्मल डेज में लोग क्या करते हैं, मॉब्स को अवॉइड करते हैं, वो लोग जिनको एक्सपी ऑलरेडी होती है, एक्सपी की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी मुझे चाहिए यार, चाहिए मुझे। ओके गोल्डन कैरेट में खा लेता हूँ, बिकॉज क्रीपर आएगा इधर, अगर इधर क्रीपर ही नहीं होगा तो मुझे गन पाउडर किस तरह मिलेगा एंड ETC बाकी चीज़ें वगैरह मैं किस तरह बनाऊँगा जैसे नॉर्मल माइनक्राफ्ट में। अब करते वेट अ सेकेंड, बहुत तो गाइस एक सेकेंड। हाँ भाई, हाँ रिमूव प्लांट ही करना है यार। ये बारी बारी में पूछता क्यों, आई थिंक तो जब आप हाथ से करो, हाँ मैं हाथ से कर रहा हूँ तभी नहीं पूछ रहा। ओके ओके ओ वेट अ सेकेंड, मैंने एक पम्पकिन भी रिमूव कर दिया, पम्पकिन सीड, सॉरी पम्पकिन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। यार ये ओके ओके नहीं हुआ, मैंने एकदम क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर से मैंने छलांग लगाई तो मुझे लगा कि इसको मुझे फिर से हो से क्लियर करना पड़ेगा। अभी देखना ये छोटे हैं ना हमारी फसल, क्रॉप्स हमारी छोटी हैं, अभी देखना मैं उस आइलैंड पे जाऊंगा एंड इधर आऊंगा तो ये बड़े हुए होंगे। मेरी माइनक्राफ्ट लैग बहुत ज़्यादा करी थी जब मेरे पेपर चल रहे थे ना, अब ठीक हो गया भाई। पेपरों में जब भी मुझे टाइम मिलता था ना खेलने का गेम, बस एक दो बारी मैंने पेपरों में ये वाली गेम खेल लिया माइनक्राफ्ट वाली, बट नहीं भाई नहीं, चाहती ही नहीं ना माइनक्राफ्ट के मैं उसे यूट्यूब पे लेकर आऊँ छुट्टियों पेपरों में। ओके मैं अब उधर जाके आपको दिखा देता हूँ, उधर हमारे बीटरूट्स ग्रो हो गए होंगे, बट उससे पहले मेरे पास ये जो 39 बीटरूट्स मैंने हार्वेस्ट किए हैं उन्हें मैं इधर रख देता हूँ अपने 34 बीटरूट के साथ। टोटल हमारे पास हो गए मैं 43 बीटरूट्स एंड ये ग्रो हो गए तो वो भी ग्रो हो गए होंगे, बट पहले मैं इन्हें हार्वेस्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए 5 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे, 1 मिनट तक नहीं हुआ होगा ग्रो हो गए। मैं बस जाने का बोला मैंने आप लोगों को, मैं उधर जाता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ एंड देन जैसे मैं वापस आया आई थिंक सब, तो मुझे उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं ना, बट फिर भी चला जाता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो भी ग्रो हो गए मैं। ओके इधर है क्राफ्टिंग टेबल भी एंड फाइनली मेरे पास हो गए मैं एक स्टैक से भी ज़्यादा बीटरूट्स जिन्हें अभी मैं खाने वाला हूँ। बट एक सेकेंड यार, वेट अ सेकेंड भाई, उसके लिए हंगर होनी चाहिए ना मेरे पास। यार ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई है मेरी जो हंगर है, यानी कि मुझे भूख नहीं लग रही तो नहीं खा सकते ना भाई, अगला ज़बरदस्ती खा लो अपने कैरेक्टर को, मैं यही कह सकता हूँ। तो अभी हंगर लो होने में तो मुझे लगेगा टाइम, हमारी हंगर बढ़ने में टाइम लगेगा, तो अभी इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं। तो मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर एंड गुड बाय।